शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर महिलाओं ने सौंपा डीएम को पत्रक। खबर जनपद भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहरोजपुर गांव की संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। बता दें कि महिलाओं और पुरुषों ने शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ज्ञानपुर विकास खंड के बेहरोजपुर गांव में देशी शराब की दुकान खोली गई है। देशी शराब की दुकान खुलने पर कई लोगों के मकानों में चोरियां भी हो चुकी हैं। जैसा कि अजय निषाद के मकान में हुई चोरी के विरोध पर उक्त शराब की दुकान को बंद करा दिया गया था, लेकिन उक्त दुकान को हटाकर करीब में ही शराब की दुकान खोली गई है, जिसके चलते महिलाओं को गुजरना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजाराम, विजय वर्मा, सुमेर वर्मा, राजकुमार वर्मा, संतलाल, संदीप चौबे, रविकांत तिवारी, रजत प्रजापति, अनुज, अनिता, पूजा, सुनीता, राधा, नेहा, नरगिस, नूरी, बेबी, नूरजहां, प्रिया, रमावती, बबीता, सरिता आदि शामिल रही। और सर, दारू का ठेका यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब सब लोग मांग कर रहे हैं कि दारू का ठेका नहीं, यहाँ नहीं रखना चाहिए। तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे रहेगा। अबे इसके लिए सब लोग मारपीट करने पे उतर आए हैं, घर घर जाकर सब लोग। अबे बताइए सर, इसकी कार्रवाई क्या करें? अब हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा। दारू के ठेके से क्या परेशानियां हो रही हैं? अरे सब, दारू के ठेके चोरी होता है, बहन बेटियों कोई इज्जत नहीं करता है। जहाँ देखो तहाँ सब पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, साहब ये सब कर रहे हैं, ये सब गलत बात है ना सर? वहाँ से हटना चाहिए, रोक लगाइए सर। मेरा दुकान वहीं पर है जहाँ पे चोरी हुआ है, वहीं 10 कदम आगे मेरा दुकान है, उसी के पास हमारे वो है स्कूल है, हाँ हमारे राहुल सर जी पढ़ाते हैं वहाँ, सब वहीं पर आके दुकान के सामने अंडा खाते हैं, दारू पीते हैं, गाली गुत्ता देते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ, हमारे दुकान में लड़कियों नहीं आती हैं, कहती हैं कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे गांव में, दारू पी के खूब झगड़ा करते हैं। तो वहाँ से ठीका हट गया सर, बगल में ठीका लग गया, उसको ठीका न दिया। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।